पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं ने दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की। कांग्रेस नेता रोहित नायक लोगों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं जानने लगे। विधानसभा क्षेत्र में प्रथम पड़ाव में कांग्रेस नेता नायक ने पवई के जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण कर जानी लोगों की समस्याएं। इसमें बिजली, पीएम आवास योजना, सफाई और पंचायत के कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा की। रोहित ने उन परिवारों से भी मुलाकात की जिन परिवारों में दुखद घटनाएं हुई थी, वहां शोक संवेदनाएं जताई। भ्रमण के दौरान बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया। अंतिम पड़ाव में पटरिया कला से देवरी रवाना हुए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अश्विनी कुररिया, भागीरथ द्विवेदी, पूर्व सरपंच, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पवई माखनलाल पटेल सहित कार्यकर्ता उनके साथ थे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। आपका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है इस जनसंपर्क में? देखिए, मैं तो वैसे भी अपने पिताजी का कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा काम करता आया हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र से हमारा 93 से पहले का संबंध है और लोगों के जितने भी छोटे मोटे काम, जो भी गतिविधियां, सुख दुख में हम लोग हमेशा शामिल रहे हैं। पिछले चुनाव में दुर्भाग्यवश, क्योंकि लोकतंत्र है तो सम्मान करना होता है लोकतंत्र का, तो हम चुनाव हार गए। पर देखने के लिए ये मिल रहा है कि किस तरीके से वैमनस्य पूर्ण तरीके से लोगों को, एक दूसरे को, गांव में भी, समाजों में भी किस तरह का विघटन और दुर्भावना से लोगों को परेशान किया जा रहा है। छोटे छोटे परिवारों को, अच्छे लोगों को, सुलझे लोगों को आप उनके दुख में परेशान कर रहे हैं, कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। और जो ये सारा प्रशासन शासन यहाँ पर विधानसभा में निरंकुश हो गया है, इसको देखकर काफी हतप्रभ हूँ। हालांकि हतप्रभ होने से ज्यादा मुझे दुख है, क्योंकि ये तो होना ही था। जिस तरीके का की लीडरशिप यहाँ चूज करी है लोगों ने, उसमें और क्या निर्णय निष्कर्ष निकलना ही नहीं। अब समाज सुधारक ऑर्गेनाइजेशन से प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, समाज के हित में आपके द्वारा क्या मुहिम रही? देखिए, आप सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ये समझिए, कोविड के पूरे इस काल में व्यक्ति ने व्यक्ति की जितनी हो सकी मदद करी है। हम भले ही भोपाल रहे, हम वहां पर थे, तो हमारे आसपास बुंदेलखंड और अन्यत्र जगहों के जो मजदूर प्रवासी फंसे हुए थे, उन तक जो मदद हमसे पहुंच पाई, हमने वो पहुंचाई। ऐसे समय में जब इतनी कठिनाई से मानवता और पूरी सभ्यता गुजर रही है, आप ये छोटे छोटे लड़ाई झगड़े और फसादों को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये किस तरह की, मतलब ये किस तरह की राजनीति है, मेरे तो समझ नहीं पाए। मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि चेताया जाए इनको, क्योंकि अब सतत दौरे चलेंगे, हर माह में दो बार प्रयास करूंगा कि क्षेत्र में ही रहूं। जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरीके की अधिकारियों तक या तो कुछ मैसेज पहुंचे। मैं खुद प्रयास करूंगा ये कि उन तक यथास्थिति पहुंचे और वो अपनी कार्यप्रणाली में, कार्यशैली में जो भी यहां पर लचरता है उसको सुधारें, वरना फिर ये लड़ाई अभी तो अभी घरों तक है, अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, फिर हम जो है सड़कों पे उतरेंगे, और फिर अगर सड़कों पे उतरे तो ये संभलेगा नहीं मामला। जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में काफी समस्याएं आपके सामने आई, जिसमें बिजली समस्या से लोग किसानों, आप देखिए किसानों की ऐसी स्थिति है कि ये समस्या यथावत पहले भी थी, पर क्या है कि खेती किसानी समय पे आश्रित चीज है। अगर 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन देरी हो जाए किसान को वो सुविधा मुहैया कराने में, ट्रांसफार्मर की, बिजली, पानी की, खाद, बीज की, तो उसकी तो खेती चौपट हो जाएगी। इस पे किसी का ध्यान ही नहीं। किसान काफी त्राहे परेशान महसूस हो रहे हैं। परेशानी से ज्यादा किसान और जनता छली महसूस कर रही है, उनके साथ जो धोखा हुआ है वो ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, आजकल की परेशानी, एक सीजन की परेशानी, ओला पाला हो गया, किसान झेल लेता है, उसको दिख रहा है कि उसके साथ 5 साल यही होना है, उसकी सुनवाई कहाँ हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।